हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद एमएस मामा चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ और ये है चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, और बहुत अमेजिंग रेसिपी होती है। तो घर में अगर चावल बचे हुए हैं तो इस रेसिपी को फ़ौरन से ट्राई कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे चावल बचे हुए थे एक प्लेट के करीब, तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून ऑयल लिया है और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर दूँगी। तो बटर अगर है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बटर से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है जब हम लहसुन को फ्राई करते हैं ना इसके साथ, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो। तो यहाँ पे मैंने बटर थोड़ा सा मेल्ट हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक, यानी कि हमारा लहसुन, और हल्का सा इसे सौटे करेंगे। तो जब तक ये सॉटे हो रहा है, हम एक एग लेंगे और एग को हम 2 चुटकी नमक और 1 टीस्पून दूध के साथ बीट कर लेंगे, और इसे बीट करके अलग करके रख देंगे। तो ये देखिए, हमारा लहसुन भी अच्छी तरह से ये इसमें सॉटे हुआ है। अब हम 1 टीस्पून बारीक कटी हुई प्याज और 2 से 3 हरे मिर्च को भी इसके साथ सॉटे करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ चिकन लिया था, थोड़ा सा ही चिकन लिया था। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून वाइट विनेगर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल के छोड़ दिया था। टाइम की सहूलियत के हिसाब से आप कर लें, और अगर आप चिकन स्किप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करा है और अब मैं इसे लो फ्लेम पर ढक के पका लूँगी 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है और अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज ली थी। और सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और हल्का हल्का ना, सबको हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई करा है हाई फ्लेम पर ही। तो सेम ऐसी प्रोसीजर फॉलो करके आपको अपनी वेजेस फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए, बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस कर दिया है और अब मैं इसमें यहाँ पे बटर डालूंगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें बटर डाला है और इसी बटर वाले एरिया में हम डाल देंगे अपना एग। और इसे हमें ना स्क्रैम्बल करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम करके इस अंडे को ना आपको स्क्रैम्बल कर लेना है, यानी कि मोटा मोटा इस तरह से तोड़ लेना है, पूरा मिक्स नहीं करना है। अब बाद में हम मिक्स करेंगे जब हमारा स्क्रैम्बल हो जाएगा। तो अभी सब वेजिटेबल्स के साथ मैंने इसे मिला दिया है और ये है हमारा चिकन स्टॉक। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चिकन स्टॉक का क्यूब जो है वो पूरा डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे राइस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करिए। वैसे अभी हम अपनी सॉसेस डालेंगे तो मैं उसके बाद ही मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ये हॉट सॉस डाली है, यानी रेड चिली सॉस जो होती है, और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप और 1 टीस्पून विनेगर। और ये तमाम चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो केचप मैंने बाद में डाली थी, केचप अभी नहीं डाली थी। तो 2 टीस्पून हम इसमें केचप भी डालेंगे अभी। तो ये देखिए, 2 टीस्पून मैं इसमें केचप डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे चावलों को। ये देखिए, हमारे फ्राइड राइस बनके बिल्कुल रेडी हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर इन्जॉय करेंगे और ये चाइनीज़ स्टाइल में बनता है। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।